हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? आपसे पूछा गया है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1952। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। आपका अगला प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? आपसे पूछा गया है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस समय में हुआ उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया? आपसे पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। आसियान जो है आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुई? आपसे पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1991। आपका अगला प्रश्न है, 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आपसे पूछा गया है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपका अगला प्रश्न है, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपसे पूछा गया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आपका अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपसे पूछा गया है राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356, लेकिन अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो वह होगा राष्ट्रीय आपातकाल। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय जो अनुच्छेद जो 360 है वो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। आपका अगला प्रश्न है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पूछा गया आपसे अकाली जो दल है किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बन गया? आपसे पूछा गया जो मिजोरम जो है भारत संघ का राज्य बना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1986।
आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? आपसे पूछा गया है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय की किसान कांग्रेस की स्थापना की। आपका अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आपके सामने है प्रश्न, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीपी सिंह। बीपी सिंह 1988 ईस्वी में जनता दल की स्थापना किया। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? बताया आपसे पूछा गया है लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन पिछड़े वर्ग। आपका अगला प्रश्न है, सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1984। आपका अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया? पूछा अब गया आपसे, बगदाद जो संधि है आगे चलकर किस नाम से जाना गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंटो। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964। आपका अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज की स्थापना किसने की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। लेनिन ने 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज की स्थापना की। आपका अगला प्रश्न है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936। आपका अगला प्रश्न है, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? आपसे पूछा गया किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस फुकुयामा। आप याद रखेंगे। आपका फिर अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है? आपसे पूछा गया हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायगो गार्सिया। आपका अगला प्रश्न है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2003। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में अपनाया गया? आपसे पूछा गया है भारत चीन किस वर्ष में भारत चीन मित्रता के रूप में अपनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2006। आपका अगला प्रश्न है, डचेस जिसको कि हम लोग कहते हैं सार्क भी, ठीक है, डचेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफडी रूजवेल्ट। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेग।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हेग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो आपके सामने है। परमाणु और प्रसार संधि कब वो अस्तित्व में आई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1968। आपका अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, अगर अभी तक मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, एक तो लाइक भी बनता है भाई, लाइक भी ज़रूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर रॉबर्टसन। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? आपसे पूछा गया है किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2001। 2001 ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। आप याद रखेंगे चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो 2001। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका सवाल है, तालिबान शब्द का क्या अर्थ है? आपसे पूछा गया है तालिबान जो है उसका क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी छात्रगण। छात्रगण को ही हम लोग तालिबान कहते हैं, या फिर तालिबान को का अर्थ है छात्रगण, आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ? आपसे पूछा गया है 1991 ईस्वी में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। दोस्तों मेरे वीडियो को इतना शेयर करें कि व्यूअर 1 मिलियन होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।